जब से मैंगो सीजन में आए हैं, वन डिजर्ट दैट आई बीन क्रेविंग अ लॉट इज अ मैंगो चीज केक. एंड नो बेक मैंगो चीज केक मैंने ऑलरेडी चैनल पे बनाया हुआ है, इसलिए आई थॉट कि इस साल एक बहुत ही डिलिशियस सा बेक्ड मैंगो चीज केक बनाते हैं, एगलेस ऑफ कोर्स, एंड उसके ऊपर एक प्रिटी सी मैंगो जेली की लेयर सेट करेंगे. एंड मैं आज एक्स्ट्रा एक्साइटेड हूँ बिकॉज 2 months के बाद बेक विद शिवेश पे बेकिंग हो रही है. सो लेट्स गेट स्टार्ट. सो सबसे पहले मैंने अपना ओवन 160 डिग्रीज पे प्रीहीट कर लिया है एंड अब मैं कुछ डाइजेस्टिव बिस्किट्स को ब्लेंडर में ब्लेंड करूंगा. दिस लुक्स गुड. इसमें ऐड करते हैं मेल्टेड बटर एंड वी विल गिव दिस अ गुड मिक्स. अब इस बिस्किट मिक्सचर को मैं अपने 7-inch स्प्रिंग फॉर्म पैन में ट्रांसफर कर लूंगा एंड इसको प्रेस डाउन करेंगे टू अचीव एन इवन लेयर. This now goes into the fridge for about 10 to 15 minutes and जब तक हमारा बेस सेट हो रहा है cheesecake filling तैयार कर लेते हैं. फिलिंग के लिए सबसे पहले बोल में डालेंगे क्रीम चीज. मैंने अपने चैनल पर पहले हाउ टू मेक क्रीम चीज पर भी एक पूरी वीडियो करी हुई है, इन केस यू गाइज वॉन्ट टू चेक इट आउट. इसके अंदर डालेंगे स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क, साथ में मैंगो प्योरे, सम फ्रेश क्रीम एंड कॉर्नफ्लावर. Make sure all your ingredients are at room temperature. अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मिक्सचर में कोई भी lumps ना रहे. But remember to not overmix at this stage. So cheesecake filling ready है. इसको transfer कर लेंगे हमारे set biscuit base के ऊपर. And इसको bake करने के लिए सबसे पहले एक water bath बनाएंगे, just so that the cheesecake bakes evenly. This is ready. This now goes into the oven at 160 degrees Celsius for about 45 to 50 minutes. सो मैंगो चीज केक पूरी तरह से बेक हो चुका है. अब मैं इसको फ्रिज में डाल दूंगा 7 से 8 घंटे तक ताकि अच्छे से सेट हो जाए. जब चीज केक पूरी तरह से सेट हो जाए तो इसके ऊपर की मैंगो जेली लेयर तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैं पैकेज जेली यूज कर रहा हूँ. पैकेज पे लिखी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके जब मैंगो जेली रेडी हो जाए उसको अपने चीज केक के ऊपर पोर कर दें एंड वापस फ्रिज में डाल दें 40 से 45 मिनट्स तक, ताकि जेली कम्प्लीटली सेट हो जाए. And finally, my mango cheesecake is ready. And now my favorite part, let's dig in. सो इस चीज केक को बनाना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट ट्रस्ट मी इट्स वर्थ ऑल द एफर्ट. सो अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करो, मेक श्योर यू सेंड अ पिक्चर टू मी ऑन इंस्टाग्राम @shivesh17 एंड आई विल सी यू गाइस होपफुली वेरी सून विद अनदर रेसिपी. अंटिल देन, हैप्पी बेकिंग.